नमस्कार साथियों, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं मिथिलेश, आज जो आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं ना साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके एग्जाम में अक्सर यह क्वेश्चन देखने को मिलता है, गुलाम का नियम। आप लोग देख ही लिए होंगे थंबनेल के अनुसार भी और यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गुलाम्स लॉ। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए, बहुत ही शानदार। आइए चीजें देखते हैं क्या है, किस प्रकार से हम इसे समझ पाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है दो बिंदु आवेश के बीच का जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल है। जी बिल्कुल, दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के परिमाण का गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। जी बिल्कुल, आपको हम बताते जाते हैं, ध्यान से समझिए। ये अपना दो बिंदु आवेश है और ये दोनों बिंदु आवेश एक को बोलेंगे Q1 और दूसरे को बोलेंगे Q2 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपना R है। ठीक है दोस्त, तो यहां बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट के अनुसार कि ये जो बल है क्रियाशील आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, इस बल को हम मान लिए F0 ले लिए दोस्तों, और यही बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल का समानुपाती, मतलब F समानुपाती होगा फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार। यहां से इस दोनों का परिणाम Q1 और Q2 है तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो Q1 इंटू Q2 हो जाएगा ना बाबू, तो यहां पे हो जाएगा Q1 इंटू Q2। इसको बना देंगे समीकरण 1, चीजें क्लियर हो रहा है, इसको बना दिए समीकरण 1। और दूसरा फिर इसी के साथ जो है यही क्रियाशील आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो है उसके जो बीच की दूरी है, ये दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है ना बबुआ, इस दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात आपको समझना है और यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसका ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। मतलब क्या, अगर R का मान बढ़ेगा तो F घटेगा, अगर F बढ़ेगा तो ये R का मान क्या हो जाएगा बाबा, घटेगा। तो ये इसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इसको हम बना दिए समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, क्या चीजें यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो हमें यस कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर एक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो देखिए, दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्त, ये स्टेटमेंट बोला गया है कूलम्स लॉ के अनुसार। ठीक है, तो आपको हम फिगर के माध्यम से समझा दिए, दो बिंदु आवेश है, इस एक का परिणाम Q1 एक का परिणाम Q2। अब जो इसमें बल लग रहा है क्रियाशील और आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल लग रहा है, इसमें जो बल लग रहा है उस बल को हम F0 से डिनोट कर दिए। और यह F0 जो क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार कि इस दोनों का जो परिणाम है इस परिणाम के गुणनफल का सीधा समानुपाती हो जाएगा और इसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब इसी को हम दोनों समीकरण को ऊपर लिखते हैं और इसका मैथमेटिकल बताते हैं किस प्रकार से निकलेगा। देखिए दोस्तों चीजें को बारीकी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहां क्या किया, ये दोनों समीकरण लिखा हुआ था, समझ चुके हैं आप लोग दोनों समीकरण कि ये बल इसका समानुपाती होगा और ये बल इसका उसके बीच की दूरी का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण को हम मिला दिए, दोनों समीकरण को गुना कर दिए। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये इधर LHS वाले LHS के साथ बराबर हो जाएगा, RHS वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। चीजें क्लियर है यहां तक? ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे
कि यहां आने के बाद ये समानुपाती को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है के। तो यहां के एक कांस्टेंट ला दिए और ये समानुपाती को हटा के बराबर ला दिए, बाकी एडजेक्टिव उतार दिए हैं। ठीक है दोस्त, यहां लिख भी दिए हैं जहां के इक्वल टू एक नियतांक है और इसके जगह पे एक वैल्यू आता है और वह वैल्यू आपको पता होगा, यहां के बराबर होता है 1/4πε0 के बराबर होता है। और एक चीज है, यहां पे के जगह पे जब ये मान होता है तो उसके जगह पे के जगह पे हमने यह मान पुट कर दिया है। जब के जगह पे यह मान पुट कर दिया तो मेरा ये जो निकला है बबुआ, ये जो निकला है ये अपना जनरल फॉर्मूला निकल चुका है। ये अपना क्या निकल गया है बबुआ, जनरल फॉर्मूला आ चुका है। इसी पे तो न्यूमेरिकल भी बनता है। तो यहां तक प्रोसेस करने के बाद आपका कूलाम का नियम बिल्कुल भी सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्त, देखिए और एक चीज आपको बता देते हैं, जब यह एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9×10⁻¹। बस यह चीज आपको याद रखना है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, एफ इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9×10⁻¹ इंटू Q1×Q2/R². ये भी आपका जनरल फॉर्मूला बन सकता है, बन जाएगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा चीजें और हम आपको बता देते हैं कि यहां पे जो है ना आपका एप्साइलन नॉट क्या है, एप्साइलन नॉट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपको जो ये एप्साइलन नॉट हम लिखते आ रहे हैं, ये एप्साइलन नॉट क्या है आपको हम समझाते हैं बबुआ, कि यह जो एप्साइलन नॉट है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसका ये वाला। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे जो एप्साइलन नॉट है यह क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह एक निरपेक्ष विद्युतशीलता है। क्या है बबुआ, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। क्या है दोस्त, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, जिसका एक फिक्स मान होता है और वह मान कितना होता है तो 8.854 × 10⁻¹⁻¹ ये अपना जो है निरपेक्ष विद्युतशीलता का एक फिक्स मान होता है। ठीक है दोस्त, यह वैल्यू आप लोग याद रख लीजिएगा। क्लियर है चीजें, चीजें क्लियर है। इसका एक चीज और, इसका एक मात्रक भी होता है, इसका मात्रक भी हम लिख देते हैं बबुआ, ताकि आपको अगर कोई मात्रक पूछे तो आप उसे बता सकें। तो इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये अपना क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में से सेम है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गया वीडियो दोस्त तो और भी स्टूडेंट का शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और आप इससे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस अपने भाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।